मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे मंत्रिमंडल में पहली बार चार मंत्री बन रहे हैं और सभी लोग युवा है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी स्वच्छ छवि के हैं, सभी लोग हिमाचल प्रदेश की जगह जनता को सेवा करना चाहते हैं, इस दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी लाइव न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से। जी हां, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में सीएम पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। और अपने दर्शकों को ये बता दें कि मुख्यमंत्री कमान संभालने के बाद सुक्खू ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। लेकिन हिमाचल में जिस तरह से कांग्रेस ने सरकार बना ली है, इसके बाद से बीजेपी की लगातार मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं कि क्या आने वाले चुनावों में उन्हें और तो नुकसान होता नजर नहीं आएगा। चलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। कैबिनेट का विस्तार हुआ है और कैबिनेट के साथ हमने जो हमारे सक्षम विधायक थे उनको भी हमने कार्य दिया है। और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो ईमानदार स्वच्छ छवि के लोगों को हमने आगे लाने की कोशिश की है, उनका व्यक्तित्व और उनको आगे लाने की कोशिश की गई है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे मंत्रिमंडल में पहली बार चार मंत्री बन रहे हैं और सभी लोग युवा है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी स्वच्छ छवि के हैं, सभी लोग हिमाचल प्रदेश की जगह जनता को सेवा करना चाहते हैं, इस दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। सर, संतुलन नहीं दिख रहा है, तीन एक ही जिले से जो है कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, क्या होता है? देखिए, तीन एक ही जिला की बात नहीं है, ये बात मेरिट की है। और जहां मेरिट होती है वहां सब चीजों को उपेक्षा भी करनी पड़ती है। जिले में सीनियर लोग यही जीत कर आए हैं और जिन जिलों में सीनियर लोग हैं उनको हमने अधिमान दिया है। पहले मंत्रिमंडल में जहाँ CPS बन सकते थे उनको भी हमने अधिमान दिया है। निश्चित तौर पर और भी जिलों को हम सबको अधिमान देंगे। आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, छूट गया, उसमें भी विस्तार देंगे। मंत्रिमंडल सिर्फ 10% है, काम करने वाले 100% लोग होते हैं। इस दृष्टिकोण से कब तक संभावना है सर अगले एक्सपेंशन की? अभी तो आज तो इन पोर्टफोलियो बांटने दीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को विस्तार से दिखाया कि आखिरकार सुक्खू कह क्या रहे हैं। अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि जो मौजूदा समय की परिस्थिति है वो ये है कि एक और जहां कांग्रेस लगातार मजबूत होती चली जा रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को मजबूत करते चले जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी की मेहनत उनसे पच नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी का बढ़ता ग्राफ देख नहीं पा रहे, इसलिए राहुल गांधी को बदनाम करने और छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी टी शर्ट पर सवाल खड़ा कर देते हैं, कभी ठंड को लेकर सवाल खड़ा कर देते हैं, कभी कोरोना की बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी का लक्ष्य है कि कांग्रेस को किसी भी तरह से मजबूत किया जाए और जनता के हर एक मुद्दे को उठाया जाए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।